हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2। तो पिछले एपिसोड में हमने ट्रक को किया था मॉडिफाई, हमने देखा था क्या हम नेक्स्ट ट्रक खरीदने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं अभी, और हम एलिजिबल नहीं थे और हम जल्दी से लिवरपूल घूमने गए थे एक तरीके से। तो इस एपिसोड में हम ट्रिप ढूंढेंगे नॉर्थ ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो साउथ जो हमारे दो एरिया बचे हैं हम वो इस बार एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हम क्विक जॉब में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बार हम जाते हैं फ्रेट मार्केट पे एंड फ्रेट मार्केट पे देखते हैं लिवरपूल में कुछ अवेलेबल है जो हमें नॉर्थ लेके जाए, कार्लिस या न्यूकासल लेके जा पाए। और यहाँ तो सारा शेफील्ड केमिकल्स लेके जा रहा है। ये ट्रिप बहुत अच्छी लग रही है, लिवरपूल से बर्मिंघम, लेकिन वापस बर्मिंघम ले जाएगी हमें। लिवरपूल कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये एसबर्ग लेके जाएगी, ये भी नहीं है, कार्डिफ है। तो मैंने बोला था कार्डिफ हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर लेंगे कभी बाद में, अभी हम नॉर्थ को एक्सप्लोर करके आते हैं, तब तक हम लेवल 10 के हो जाएंगे। तो आई थिंक अब देखते हैं मैनचेस्टर में कोई अवेलेबल है जॉब, मैनचेस्टर में कार्लिस वाली जॉब है, तो हम मैनचेस्टर वापस जाएंगे। एंड एक घंटा, अरे एक फर्टिलाइजर भी है हाईएस्ट पेइंग इसमें से, तो ये वाली है। और कुछ अवेलेबल है 21 के ऊपर एक ये है एस जर्ग लेके जाएगी, लेकिन ये वहाँ हमने जाना नहीं है। तो आई थिंक WGCC 1 घंटा 13 मिनट लिखा है इसमें, GPS पे सेट करते हैं। एंड कितना मिनट है, 1 घंटा 3 मिनट, हमें फुल स्पीड में ट्रक चलाना पड़ेगा एंड जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा वरना ट्रिप हो जाएगी एक्सपायर। सो कहाँ जाना है यहाँ से, कहाँ जाना है, GPS थोड़ा लेफ्ट ही है। 1 घंटा 13 मिनट में एक्सपायर हो रही है, उससे पहले हम पहुंच के अपना ट्रेलर हुक कर लेते हैं एंड ट्रिप शुरू करते हैं। देना है कि कोई फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट के वजह से डिले होते हैं क्योंकि हमें ट्रक को रिपेयर करना पड़ता है, बट होपफुली हम कुछ रिपेयर नहीं करेंगे इसमें, डायरेक्टली ट्रक को पहुंचाएंगे सेफ एंड साउंड। थोड़ी रैश ड्राइविंग हो रही है, टर्न्स पे ध्यान देना है, टर्न्स पे यूजुअली ट्रक पलट जाते हैं। पिछले एपिसोड में तो ट्रक पलटने वाला था। 54 मिनट्स, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे अब हम। मैनचेस्टर जाना है तो मैनचेस्टर के लिए वो कह रहा है लेफ्ट वाली रोड ही पकड़नी है, क्योंकि आगे से वापस वही एक टर्न है। ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेंटिलेशन शाफ्ट है जो ये लेके जाता है। किलोमीटर पर आवर 138, ओह माय गॉड, 139। मैनचेस्टर के लिए लेफ्ट मेंटेन करना है। जॉब एक्सपायर ना हो गई हो, NBFG है शायद वो एरिया का कंपनी का नाम, सॉरी एरिया कह रहा हूँ। वाओ गाड़ियाँ, ये ट्रेलर हमें कभी नहीं मिलता, आई डोंट नो व्हाई। मेरा सबसे ज़्यादा मन वही लेने का था, गाड़ियाँ वाला ट्रेलर, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मिलता ही नहीं।
WGCC जाना है, NBFG नहीं जाना। लेट्स होप कि जॉब एक्सपायर ना हो गई हो, क्योंकि इसी से हम नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ट्रेलर तो दिख रहा है राइट में। फ्रेट मार्केट, और फ्रेट मार्केट पे दो चीज़ें अवेलेबल है, एक न्यू कासल लेके जाएगा और एक लेके जाएगा फर्टिलाइज़र। तो अभी हम न्यू कासल जाते हैं, ज़्यादा अच्छी जॉब लग रही है मुझे, क्योंकि 29 यूरोज़ पर किलोमीटर दे रहा है, मतलब टोटल 7,348 यूरोज़। और ये ADR क्लास 2 के अंदर आता है। ADR जो हमने स्किल्स से सेट किया था ये वही है। ओके, एक बार अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो ये जल्दी से आई थिंक टिप्स ऑफ हो जाएंगी, थैंक गॉड। केमिकल सेट करते हैं। फर्टिलाइज़र भी अभी यहाँ अवेलेबल है। ये मैनचेस्टर से एक कार्लीजल लेके जा रहा था, कार्लीजल ये रहा, और न्यू कासल अपॉन टाइन ये रहा। तो हम न्यू कासल की जॉब पिक करते हैं, 232 किलोमीटर्स, एंड टेक जॉब। चलो ट्रिप करते हैं स्टार्ट। केमिकल्स लेके जा रहे हैं, लेकिन काफी हैवी ट्रेलर है, थोड़ा ध्यान से चलाएंगे। सीधा सीधा रास्ता अभी तो, रेलवे स्टेशन है या ट्रेन स्टेशन, सबवे टाइप्स। आई डोंट नो ये सामने वाली गाड़ी इतनी ब्रेक क्यों मार रही है, रेंज रोवर लग रही है, या तो फिर स्पीड लिमिट से है वो क्रॉस कर रही होगी तो तभी वो स्लो कर रही है। हमें तो स्पीड की इतनी चिंता नहीं है, हमने लिमिटर्स ऑफ करे हुए। वेरी एक्साइटेड, मुझे वॉल्वो का ट्रक ज़रूर चलाना है, लेकिन उसके लिए एज यूजुअल हमें लेवल अप करना पड़ेगा, तो हम कॉस्टली पिकअप्स करेंगे। सर्विस है, पेट्रोल है, हमारा तो अभी सब सही है, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमें रेस्ट की ज़रूरत है शायद। लेट्स चेक, रेस्ट की ज़रूरत हमें 8 घंटे नहीं, 5 घंटे 50 मिनट के करीब में ज़रूरत है, काफ़ी टाइम। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर भी अच्छा हो रहा है और गेम में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है।
टू बी ऑनेस्ट दिल्ली में तो काफ़ी गर्मी थी। आप लोग मुझे बताओ, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कैसा है टेम्परेचर? कासल के लिए हमें लेफ्ट रहना पड़ेगा थोड़ा। जाके देखते हैं इस सर्विस रूट पे, अच्छा लग रहा है काफी रूट। नाइस, वो काफी छोटी लेन है तो। खैर हमारा ट्रक फिट हो गया यहाँ पे, और क्या चाहिए। लेकिन अगर आप जीपीएस में देखेंगे तो ये पार्ट जो है वो कवर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमें मेन रोड से जाना चाहिए था। न्यूकासल के लिए हमें सेंटर वाली लेन में रहना चाहिए। ये थी हमारी डेली इंस्टॉलमेंट जो लोन की तरह जा रही है। ब्यूटीफुल। स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, नॉट फॉर अस। रोड्स काफी डिफरेंट लग रही हैं। स्पीड ब्रेकर्स मैंने नोटिस करें, दो तो स्पीड ब्रेकर्स अभी तक आ चुके हैं एंड काफी स्ट्रॉन्ग थे, नॉर्मल नहीं थे। देखा आपने, नोटिस करा होगा। एक और लेफ्ट में था हमारा पिट स्टॉप, न्यू एडिनबर्ग एंड कासल के लिए शायद स्ट्रेट लिखा था। न्यू कासल के लिए स्ट्रेट।
आई थिंक ये ट्रक अभी हवा में ही उड़ रहा था एक तरीके से, इतना लोड था और हम स्पीड में शार्प टर्न्स ले रहे हैं। आप चेक करें और मुझे बताएं। ये क्या लेके जा रहा है? काफी इंटरेस्टिंग है। स्काउट कार्स पार्ट्स लेके जा रहा होगा ये ट्रक। साइड वाली कार्स जो हैं वो अभी भी हमारे साथ ही चल रही हैं, इसका मतलब है कि इनकी भी स्पीड काफी ज्यादा है। एक और फ्यूल स्टेशन आ गया। ग्लासगो के लिए स्ट्रेट ओवरटेक कर पाएंगे हम इसे? चलो 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 चलो, एंड यस ओवरटेक हो गया ये। बहुत अच्छी ट्रिप थी ये, मैनचेस्टर से न्यूकासल, स्ट्रेट स्ट्रेट रोड्स, स्पीड की कोई चिंता नहीं, एंड डैमेज फ्री अभी तक लेके गए हैं हम अपने ट्रक को। मोस्टली सिटी में होता है जब क्रैश हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं ना कोई। अच्छा, इसमें तो डिटोर भी नहीं होता, ये तो अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर नहीं है। देखा, फिर से कंफ्यूज हो गया मैं गेम्स के बीच में। फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, काफी एक्सट्रीम फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं। वाओ, 28 फ्रेम्स पे गिर गया। वाओ, एक्सीलेंट, केमिकल्स हमारे डिलीवर हो गए। ड्रिवन डिस्टेंस 231 किलोमीटर्स, टाइम टेकन 2 आवर एंड 36 मिनट्स, फ्यूल कंज्यूम्ड 116 लीटर्स, बेस रिवॉर्ड मिला के टोटल हमारा हो गया 7348 यूरोज एंड 294 एक्सपी। लेवल 7 से हो गया हम लेवल 8,
तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है हमारे पास स्किल आ गया एक और। अब हम फिर से हाई वैल्यू कार्गो को सिलेक्ट करते हैं एंड कर दिया अप्लाई। तो स्किल्स में अगर हम जाके देखें तो हाई वैल्यू कार्गो का हमारा हो गया है मैक्सिमाइज, फुल हो गया ये। इसमें कुछ अब हम अपग्रेड नहीं कर सकते, अब हम ADR को फुल करेंगे। अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं क्या हमें लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रेजल कार्गो, जस्ट इन टाइम डिलीवरी या इको ड्राइविंग, इनमें से कौन सा स्किल इम्प्रूव करूँ या सिर्फ ADR को अप्रूव करूँ, सॉरी अपग्रेड करूँ। तो ये थी हमारी जर्नी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। एंड न्यू अपग्रेड्स अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पे, देखें ज़रा हमारे ट्रक के लिए क्या है। ओके, नई चीज़ें आ गई, नई चीज़ें आ गई। कैबिन, चैसी, इंजन, लेवल 8 जैसे मैंने कहा था हो गया है सब अपग्रेड। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे सब कुछ अपग्रेड, इससे हमारा ट्रक और अच्छा लगने वाला है, स्पीड भी बढ़ने वाली है, रात को होगी ट्रिप आई थिंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो देखना तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।